Good morning, class 7. So as we know that we have completed the lesson almost. So now I'm discussing about the question answers. No. So today we will discuss about primary memory and secondary memory. That is in page 15. Okay, this one. So today we will discuss about the relations difference between primary memory or secondary memory. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, मतलब इसका इन एसेंस में इट इज सेड की पार्थक्य आसे एंड इन हिंदी इट इज क्या क्या समार्थक है, मतलब प्राइमरी मेमोरी वीएस सेकेंडरी मेमोरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशंस. कंप्यूटर मेमोरी किसको बोलते हैं, हम लोग जानते ही है कि वो एक ऐसा जगह है कंप्यूटर मेमोरी जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, सो इन फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी दीज आर द टाइप्स प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से क्या है, वो है रिलेशंस है, हम आज पढ़ेंगे. ओके, नाउ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड नंबर वन पॉइंट. प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी को मेन मेमोरी होता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को इसको क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है. ओके, एंड वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी. ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी. ये सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, मीन्स यू कैन से दिस इज द मेन मेमोरी इज द सेकेंड नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड नेम बोल के जान सकेंगे. ओके, एंड सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंड नेम क्या होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज टेम्पोररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर का टेम्पोररी मेमोरी होता है. जो डाटा प्रोग्राम हम लोग स्टोर करके रखते हैं वो क्या होता है, वो टेम्पोररी होता है, वो कभी भी डिलीट हो सकता है. हम लोग जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में ऑन रहने के टाइम में हम लोग जैसे भी काम करेंगे, वो जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक वो डाटा एंड प्रोग्राम रहेगा काम करते थे. अगर काम करने के टाइम में अगर फटक से अचानक से हम लोग का कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ हो गया तो वो क्या होता है, वो जितना डाटा हम लोग एंटर किया है, डाटा जितना प्रोग्राम हम लोग वो किया है, वो सब क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा एक ही बार में. बट इन सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो भी हम लोग कंप्यूटर ऑन रहने का टाइम में जितना भी हम लोग काम करेंगे, जो भी डाटा हम लोग एंटर करेंगे, जो भी प्रोग्राम्स हम लोग वो करेंगे, वो क्या होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में इरेज नहीं होता है, इसलिए उसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है. इसको प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डाटा को इरेज कर देता है. ओके, ये मेमोरी को टेम्पोरली स्टोर रखता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, मेमोरी को परमानेंटली स्टोर करता है फॉर द लाइफ टाइम. ओके, नाउ नंबर थ्री पॉइंट, इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम. इसका जो एक्सेस टाइमिंग है वो फास्ट होता है, इसलिए मतलब हम प्राइमरी मेमोरी में इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम. फास्ट को हम लोग इसका जो प्राइमरी मेमोरी का जो मेन एडवांटेज है वो ये है. क्यों, क्या है ये, क्योंकि ये फास्ट एक्सेस टाइम है. ये जो एक्सेस जो होता है, डाटा जो एक्सेस करता है ना, इसका टाइमिंग जो होता है बहुत फास्ट डाटा को एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी में. लेकिन इन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, वो ये डाटा एक्सेस टाइमिंग के लिए बहुत स्लो है. सेकेंडरी मेमोरी में डाटा एक्सेस टाइमिंग के लिए बहुत स्लो है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ सेड दैट इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम. नाउ नंबर फोर पॉइंट, इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज. प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो साइज स्मॉल होता है. बट इन सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ बिगेस्ट इन साइज. इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी का, वो क्या होता है, उसका साइज बड़ा होता है. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी उसका ज़्यादा होता है. ठीक है, नाउ नंबर फाइव पॉइंट, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव. ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये फास्ट एक्सेस करता है, डाटा फास्ट एक्सेस करता है ना, इसलिए इसका जो प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है कभी कभार. ठीक है, और इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज. हाँ, मोर एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो छोटा है,
और छोटा है बोल के, जैसे कि हम लोग इसको, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग रैम और रोम के थ्रू से देख सकते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ कैपेसिटी है ये बड़ा है। क्यों, कैसे बड़ा है? जैसे हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे जीबी होता है, 16 GB, 32 GB, इज़न्ट इट? सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बिगेस्ट इन साइज़। ना नंबर 5 पॉइंट, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये इसका जो ये जो एक्सपेंसिव है क्यों है, क्योंकि ये डाटा को फास्ट एक्सेस करता है। बट इन सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। इसका जो प्राइस लेवल है प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में का सस्ता है, मतलब कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये डाटा को एक्सेस स्लो करता है। इट इज़ एक्सेसिंग द डाटा वेरी स्लो, दैट्स वाई इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। ओके, नाउ नंबर 6 पॉइंट, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। आई एक्सप्लेन यू इन द क्लास वॉट इज़ वॉलेटाइल नेचर एंड वॉट इज़ नॉन वॉलेटाइल। हाँ, वॉलेटाइल मतलब क्या है? वो कंप्यूटर को हम लोग जो भी काम करते हैं, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ, वी कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वॉलेटाइल इन नेचर। बट इन सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। It is why it is non-volatile in nature, because we can store informations and data programs even the computer is on or off, it doesn't matter. That's why it is called non-volatile in nature. So I hope that you have understood this, the relations between primary memory and secondary memory. Okay. Okay.